12 अधिकारियों के ऊपर दंड लगाया गया है, जिनमें जो हाई लेवल के अधिकारी वो भी शामिल है, जो यहाँ के मंडल आयुक्त हैं उनके सूचना अधिकारी के ऊपर भी लगा है दंड, और जो हमारे सूचना अधिकारी SSP है, SP ट्रैफिक होते हैं उनके ऊपर भी दंड लगा है। इसी तरीके से कई बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जिनके ऊपर दंड लगाया गया है। ADM जो रामपुर हैं फाइनेंस के वो भी उनके ऊपर भी दंड लगाया गया 25,000 रुपये का, और कई फाइलें ऐसी जिनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है। मान लीजिए जो खनन का काम चल रहा था नजीबाबाद में, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, कई दरोगा जो है निलंबन हुए हैं, और कई के खिलाफ जो है जो DFO थे उस रेंज के जिन्होंने खनन कराया और ये साबित हो गया, तो शासन ने उन पर कार्रवाई करके RTI में आयोग को सूचित किया है कि हमने इनके ऊपर कार्रवाई कर दी है। तो कई के ऊपर जो है कार्रवाई चल रही है, कई निलंबित हो चुके हैं, और ख़ास तौर पर जो अभी पिछले दिनों 311 ऐसे लोग थे जिन्होंने गलती से पेंशन ले ली थी और करोड़ों रुपए का नुकसान शासन को हो रहा था, उसके कोष को हो रहा था, आयोग ने उसकी सख्ती की, उस पर कार्रवाई की, तो कई मैं समझता हूँ 30 गलत फिगर ना जाए आपके पास में, ₹3,31,84,960 रुपये की रिकवरी हुई है, जो गवर्नमेंट के कोष में वापस आया जिन्होंने गलती से जो है पेंशन ले ली थी। तो यह RTI ही का कमाल है कि सख्ती की वजह से वो रिकवरी वापस हुई, गवर्नमेंट के कोष में जमा हुआ, और अभी 6,58,000 रुपये रह गए हैं, उसकी किस्त बांध दी गई है, वो भी जो है जल्दी जो है लिख कर दिया है। आज भी एवं लेखा अधिकारी अमरोहा के आए थे कि हम बहुत जल्दी इन्हें भी जमा करा देंगे।